Exercise 20.5, last 10th mathematics unit 20, exercise 20.5 का last question, question number 6, चार पार्ट है इसके अंदर और सवाल सवाल थोड़ा सा टिपिकल सा है, कह रहा फाइंड द कंडीशन, हमें कंडीशन बतानी है, अब हमें ना वैल्यू निकाल, ना कोई वैल्यू निकालनी है, ना हमें कोई रूट निकालनी है, ना हमें कोई क्वेश्चन आनी है, बल्कि हमें कंडीशन बतानी है, क्या कंडीशन हो सकती है अगर इस इक्वेशन का एक से स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का एक रूट दूसरे के मुकाबले में ये हो, एक रूट तो हो कुछ ना कुछ तो कुछ है, दूसरा रूट जो है वो पहले के मुकाबले में 3 times हो, दूसरा स्क्वायर हो, दूसरा एडिटिव इनवर्स हो और दूसरा मल्टीपल इनवर्स हो, ये चार पार्ट इसके हैं। इस सवाल को हम करते हैं, पहले हम यहां पर देखते हैं कि एक स्क्वायर प्लस बीस प्लस सी स्टैंडर्ड फॉर्म है, लिहाजा हम सबसे पहले इसकी रूट को कंसिडर कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को सुनो, एक स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को सुनो, वो उसको भी हमने कंसिडर कर लिया कि उसके अंदर अल्फा बीटा उसकी दो रूट्स हमने ले ली, तो हमें पता है कि यहां अब मामला क्या होगा कि ए बना लेंगे कि ए है बी बी है सी सी है, लिहाजा अल्फा प्लस बीटा हमारे पास हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, इसको क्वेश्चन नंबर वन कर दीजिए, इसको क्वेश्चन नंबर वन हो गई है, और अल्फा बीटा आपके पास हो जाएगी सी अपॉन ए, इसको क्वेश्चन नंबर टू बोल रहे, बल्कि इसको मैं वन और टू वाला करूं ताकि आपको आसान हो, क्वेश्चन नंबर वन हो गया, ये क्वेश्चन नंबर टू हो गया, अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा हो गया सी अपॉन ए, जो इक्वेशन उसने हमें दी थी उसके हिसाब से हमने एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी के हिसाब से अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा ले दिया। अब जो रिक्वायर्ड कंडीशन है फॉर रिक्वायर्ड कंडीशन, मामला क्या है, ये 3 times ऑफ अदर, एक रूट दूसरे की 3 times है, अल्फा और बीटा का दो रूट है, अल्फा बीटा के 3 times है या बीटा अल्फा के 3 times है, 3 times मतलब क्या होगा 3 गुना, 3 times मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आपको, यानी जो कंडीशन यहां पर दी गई उसने वो कह रही है मैं सिर्फ अल्फा से ले रहा हूं उसको, तो अल्फा विल बी इक्वल टू 3 बीटा, 3 times ऑफ बीटा, अल्फा इज 3 times ऑफ बीटा, वैसे आप ये ले सकते हैं बीटा को 3 अल्फा आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने इसको अल्फा से ले लिया है, अल्फा से मैं सारे काम अल्फा के हिसाब से कर लूंगा, अल्फा इक्वल टू 3 बीटा, ये मेरे पास आ गई रूट की, रूट आ गई दो, एक अल्फा आ गई और एक दूसरी 3 बीटा आ गई, अब एक रूट से मेरे पास अल्फा हो गई, अल्फा 3 बीटा तो एक रूट 3 बीटा हो गई और दूसरी रूट बीटा हो गई, यानी कि अब मैं बता लूंगा तो अल्फा प्लस बीटा मेरे पास क्या जाएगा, अल्फा किसके बराबर 3 बीटा बराबर, तो 3 बीटा प्लस बीटा दैट इज अल्फा प्लस बीटा मेरे पास बराबर आ गया 4 बीटा के, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3, ठीक हो गया, और इसी तरह से अल्फा बीटा निकाल लें, मल्टीप्लीकेशन निकाल लें, अल्फा बीटा अगर हम निकालो तो अल्फा बीटा बराबर किसका रहेगा, अल्फा बीटा बराबर आएगा अल्फा एगेंस्ट बीटा है तो 3 बीटा इंटू बीटा दैट इज अल्फा बीटा मेरे पास बराबर आएगा 3 बीटा स्क्वायर के, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया। अब ये इक्वेशन 1, 2, 3, 4 आप देखें साहब, ये हमारे काम क्या रहे, यही हमें कंडीशन बताएंगी, इन्हीं से हम कंडीशन निकालेंगे, आप देख सकते हैं कि 1 में अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारे ये कौन है, 3 में अल्फा प्लस बीटा बराबर है 4 बीटा के, यहां पर अल्फा बीटा बराबर है 4 बीटा के, और 4 में अल्फा बीटा बराबर है 3 बीटा स्क्वायर को, तो अब हम क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा बाय कंपेयर 1 and 3 को कंपेयर कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर है, लिहाजा हम कंपेयर कर सकते हैं, ये जाएगा माइनस बीटा बी अपॉन ए इज इक्वल टू 4 बीटा, ठीक है, और यहां पर 4 मल्टीप्लाई का हमारा निकल जाएगा, तो मैं कह सकता हूं कि बीटा मेरे पास बराबर आ जाएगा माइनस बी अपॉन 4 ए के, ये मेरे पास आ गया बीटा की वैल्यू, ठीक है, अब आगे बाय कंपेयरिंग 2 and 4, देखिए 2 में भी अल्फा बीटा है, 4 में भी अल्फा बीटा है, दोनों साइड बराबर है इसकी लेफ्ट साइड,
हम इसको कंपेयर करते हैं, ये आ जाएगा मेरे पास C अपॉन A इज इक्वल्स टू 3 बीटा स्क्वायर, ये आ गया C अपॉन A इक्वल्स टू 3 बीटा स्क्वायर। बीटा की वैल्यू में अंदाज में देख सकते हैं आप, बीटा की वैल्यू निकाल दीजिए, माइनस बी अपॉन 4 है, तो यहां पर मैं कर देता हूं C अपॉन A इक्वल्स टू 3 इंटू माइनस बी अपॉन 4 ए का स्क्वायर। बीटा की जगह बीटा की रख दीजिए, यहां पर बीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं, बीटा बराबर है माइनस बी अपॉन 4 है, माइनस बी अपॉन 4 है, मैंने बीटा की रख दिया। अब इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा C अपॉन A इक्वल्स टू 3 इंटू बी स्क्वायर अपॉन 16 ए स्क्वायर, और फिर 3 बनाए उस बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जाएगा सी अपॉन ए इक्वल्स टू 3 बी स्क्वायर अपॉन 16 ए स्क्वायर, और फिर ये ए यहां पर मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो सी बराबर हो जाएगा 3 बी स्क्वायर अपॉन 16 ए स्क्वायर मल्टीप्लाई रहेगा, ये ए से इसे कैंसिल हो जाएगा और 16 ए इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 16 ए सी इक्वल्स टू 3 बी स्क्वायर। ये आपकी कंडीशन है, इस कंडीशन अगर हो कि 3 बी स्क्वायर बराबर 16 ए सी के, तब जो है वो एक रूट दूसरे के 3 टाइम हो सकती है किसी भी गिवन इक्वेशन के अंदर, ये वो कंडीशन है जो हमें बताई गई है। ये हमारा आंसर आ गया 16 ए सी इक्वल्स टू 3 बी स्क्वायर, ये आपका पार्ट वन हो गया। अब हम इस क्वेश्चन का पार्ट टू करेंगे, पार्ट टू का मतलब क्या है, स्क्वायर ऑफ द अदर, एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, इसको देख लेते हैं ये किसान से होगा। अगेन जब शुरू करेंगे तो मामला ऐसे होगा कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को जीरो, तो अल्फा प्लस बीटा आपको पता है बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के, और अल्फा बीटा बराबर होता है आपके पास सी अपॉन ए के, ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा। उसके बाद फॉर रिक्वायर्ड कंडीशन, फॉर रिक्वायर्ड कंडीशन, रिक्वायर्ड कंडीशन के लिए मामला कुछ इस तरह से हो जाएगा कि अल्फा बराबर आ जाएगा बीटा के स्क्वायर के, अल्फा इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर के, एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा के स्क्वायर का मतलब यह होगा कि अल्फा प्लस बीटा आपके पास बराबर आएगा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा के, ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा। ये अल्फा चूंकि बीटा स्क्वायर है, अल्फा बीटा स्क्वायर है, बीटा भी आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा के, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 हो गई। यहां पर अल्फा बीटा हमारे पास आ जाएगा, अल्फा बीटा हमारे पास आ जाएगा, इसमें अल्फा बीटा हमारे पास इसमें आ जाएगा बीटा का स्क्वायर इंटू बीटा, दैट इज अल्फा बीटा हमारे पास आ जाएगा बीटा के क्यूब के बराबर, ये हमारे पास नंबर 4 हो गई, 1 2 3 4 हमारे पास 4 हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, बाय कंपेयरिंग 2 एंड 4, बाय कंपेयरिंग 2 एंड 4 हमारे पास बन जाएगी, 2 और 4 को हम कंपेयर करेंगे अल्फा बीटा को, तो जाएगा हमारे पास सी अपॉन ए इक्वल्स टू बीटा क्यूब, इसको आप कह दीजिए इक्वेशन नंबर 5, ये हमारे पास 5 हो गई। और आगे बाय कंपेयरिंग 1 एंड 3, देखिए मैंने प्लस पहले अल्फा प्लस बीटा किया तो माइनस बी अपॉन हो गया, अल्फा बीटा का दूसरा पावर हो गया, क्वेश्चन दे रहे उसका तरीके से पानी थी कि स्क्वायर बराबर है, एक रूट दूसरे के स्क्वायर बराबर है, तो अल्फा को मैंने पाया बीटा के स्क्वायर बराबर है, जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर आएगा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा के, अल्फा बीटा बीटा स्क्वायर आ गया, बीटा स्क्वायर प्लस बीटा आ गया, इसको मैंने क्वेश्चन 3 बन दिया। उसके बाद मैंने अल्फा बीटा निकाल दिया, अल्फा बीटा बराबर आएगा बीटा स्क्वायर बीटा के, बीटा का क्यूब हो गया, इसको क्यूब क्यूब कर दिया, 4 और 3 का मैंने करते हैं, अल्फा बीटा अल्फा बीटा बराबर था, तो अल्फा बीटा बराबर हो गया बी क्यू के, सॉरी ये अल्फा बीटा बराबर होगा बल्कि जो रहेगा आपके पास, अच्छा ये अल्फा बीटा इसको मैंने कहा हुआ है इक्वेशन नंबर 4। उसके बाद मैंने 2 और 4 को कंपेयर किया, 2 और 4 को मैंने कंपेयर किया है, तो फिर मेरे पास इक्वेशन 5 बन गई है सी अपॉन ए इक्वल टू बी क्यू, और फिर मैं 1 और 3 को कंपेयर कर रहा हूं, 1 और 3 को कंपेयर कर रहा हूं, तो मेरे पास इक्वेशन बन गई है माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर, माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर प्लस बीटा, इसके ऊपर मैं काम करूंगा और मैं इसमें क्यूबिंग करूंगा बोथ साइड की, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड मैं करूंगा, तो फिर ये सॉल्व कैसे होगा, आगे देखिए ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए का क्यूब इक्वल्स टू
बीटा का स्क्वायर प्लस बीटा का होल क्यूब, तो ये आएगा माइनस बी अपॉन बी क्यूब अपॉन ए क्यूब इक्वल्स टू बीटा के स्क्वायर का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब प्लस थ्री बीटा का स्क्वायर इंटू बीटा इंटू ए प्लस बी, बीटा का स्क्वायर प्लस बीटा ये होता है ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, ये ए है ये बी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। या फिर बन गई क्वेश्चन ऐसे, अब आपके पास ये हो गया है माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, देखिए मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसको बता रहा हूं बी क्यूब का स्क्वायर, एक ही बात है टू की पावर थ्री थ्री की पावर टू सिक्स आएगा, और ये बन जाएगा आपके पास बी क्यूब, ये बन जाएगा थ्री बी क्यूब और ये बी स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस बी बी स्क्वायर बीटा ऐसे रख दिया, ये मेरे मुझसे बारह बी निकल रहा बीटा नहीं है बीटा है, बीटा का क्यूब का स्क्वायर प्लस बीटा का क्यूब प्लस थ्री बीटा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस बीटा, ये बन गया आपके पास। अब आप देखिएगा कि आपके पास बीटा क्यूब क्यों बनी है इक्वेशन नंबर फोर में, इक्वेशन नंबर फाइव में, और आपके पास बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यों बनी है इक्वेशन नंबर सिक्स में, इसको इक्वेशन नंबर सिक्स कह दीजिए यहां पर, इक्वेशन नंबर सिक्स में आपके पास बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यों बनी है, इक्वेशन नंबर फाइव में आपके बीटा क्यूब क्यों बनी है, यहां पर आप कह दीजिए पुट पुटिंग दी वैल्यू ऑफ बीटा क्यूब फ्रॉम इक्वेशन फाइव एंड बीटा स्क्वायर प्लस बीटा फ्रॉम इक्वेशन सिक्स, ये बता दिया मैंने कि बीटा क्यूब के रूप में होगा इक्वेशन फाइव से और बीटा स्क्वायर प्लस बीटा रूप में होगा इक्वेशन सिक्स से, ये इक्वेशन सिक्स पे वैल्यू है माइनस बी अपॉन एगी और ये सी अपॉन है, वैल्यू बुक कर रहा हूं यहां पर मैं, अब देखिए क्या हो जाएगा माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब इक्वल्स टू बीटा क्यूब, बीटा क्यूब है मेरे पास सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए प्लस थ्री इंटू सी अपॉन ए इंटू माइनस बी अपॉन ए, ये आपके सामने बन गई इक्वेशन, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको एक शक्ल दिया आपने अच्छी सी, उसके बाद इसका आंसर रहेगा माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब इक्वल्स टू ये आपके पास हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए प्लस 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 माइनस माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर, इधर ए से ऐड कर लीजिए या सारी चीजें कब करके ऐड कर लीजिए माइनस करके जीरो कर लेंगे इसको, या पहले ऐड कर लेते चलो ठीक है ऐड कर लेते उस साइड पे माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब इक्वल्स टू ये ए स्क्वायर एलसीएम आ गया सी स्क्वायर प्लस सी प्लस ए सी सॉरी प्लस ए सी माइनस बी सी, ठीक हो गया। और उसके बाद इस ए की पूरे करेंगे और जब आप वापस तंग हो रही है यहां पर हम कोशिश करते हैं करने की, इसी तरह स्टेप हो जाएगा ये माइनस बी क्यूब बराबर आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए के, तो आपके पास ये ए इस ए को कैंसिल कर देगा और फिर इस ए को भेज दू तो ये मेरे पास बच जाएगा माइनस ए बी क्यूब इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी, ये मेरे पास सॉल्व हो गया इस तरह से। अब इसमें से अगर मैं चाहूं इस प्रकार विषय तो इसको मैं कर सकता हूं, मतलब मैं इसको ए बी क्यूब बदल दिया हूं और माइनस को चले जाऊं प्लस थ्री ए बी सी कर दूं, अगर आगे विषय कर सकता हूं मैं दो चार कर सकता हूं, मैं इसको ऐसे कर सकता हूं ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए बी क्यूब इक्वल्स टू ए बी सी, मैं ए बी सी को बदल दिया और उसको एरिया मैंने सारी मैंने वैल्यूज पॉजिटिव कर दी, यहां से ए सी कॉमन ले लू मैं तो ये हो जाएगा मेरे पास ए प्लस सी प्लस ए बी क्यूब इक्वल्स टू ए बी सी, ये मेरे पास ये यहां पर मेरे पास थ्री बी सी आना था, वो मैं कहूँ कि थ्री कहां चला गया, माइनस का थ्री बी सी है, ये भी माइनस का थ्री बी सी है और ये भी माइनस का ये माइनस का थ्री ए बी सी है तो ये प्लस का थ्री ए बी सी हो गया, ये भी इक्वल्स टू थ्री ए बी सी हो गया, ये आपके सामने आंसर आ गया है। इसमें आप चाहें तो ये ए को सर्व कर ले या इसको कर ले,
आपकी मर्जी, जैसे आप चाहे कर सकते हैं। किताब वाले ने शायद आंसर आपको इस शक्ल में दिया हुआ है कि ये आपके पास हो रहा है 3ABC - AB³ = AC into A+C, ऐसा कुछ आंसर आपके पास होगा। तो ये कंडीशन है, ये वो कंडीशन है जो कि रिक्वायर्ड है इस कंडीशन के लिए। नाम के जब हमारे पास एक रूट दूसरे का स्क्वायर, बहुत मुश्किल सवाल है, फॉर्मूला वापस में क्यूब का लगा, थोड़ी समय टेक्निकल चीज देखेंगे, इसको बहुत से लिखना सवाल को, और इसको क्यूब का फॉर्मूला अगर आपको याद हो सही तो फिर आप उसको आसानी के साथ कर सकते हैं, वरना आपको प्रॉब्लम होगी, वरना इसमें क्यूब का फॉर्मूला है। और इस कंडीशन को आप कहीं भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, इसके आगे आप छोड़ सकते, जैसे यहाँ से एक कॉमन आ रहा है या साउंड में से एक कॉमन ले सकते, कंडीशन बनाना आपके सामने आ गई है। ये कंडीशन है, इस कंडीशन के तहत आपके पास एक रूट दूसरे रूट का स्क्वायर होता है। अब हम इसका पार्ट थ्री शुरू करेंगे। पार्ट थ्री में अगेन हमारे पास जो कंडीशन दी हुई है, इसमें वो कंडीशन हम देख लेते हैं, पहले कंडीशन से हमें दी हुई है एडिटिव इनवर्स ऑफ द अदर है। तो इसमें पार्ट थ्री के अंदर जब स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन, तो लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, वही बात हमने की। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस बी अपॉन ए के, ये क्वेश्चन वन हो गई, और अल्फा बीटा बराबर होगा सी अपॉन ए के, ये क्वेश्चन नंबर टू हो गई। उसके बाद हम कहेंगे फॉर रिक्वायर्ड कंडीशन, कंडीशन रिक्वायर्ड ये है कि जनाब अल्फा बराबर है माइनस बीटा के एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स मतलब उसके नेगेटिव वैल्यू के बराबर है। तो अल्फा बराबर है माइनस बीटा के, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बीटा प्लस बीटा दैट इज जीरो के, दैट इज अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा जीरो के, इसको इक्वेशन नंबर थ्री बोल दीजिए। और अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बीटा इंटू बीटा, तो अल्फा बीटा बराबर आएगा माइनस बीटा के स्क्वायर के, इसको इक्वेशन फोर बोल दीजिए। अब आप क्या काम करेंगे, आप इक्वेशन थ्री और इक्वेशन वन को कंपेयर करेंगे, तो आपके पास एक वैल्यू आएगी। फिर आप इक्वेशन वन को टू और फोर को कंपेयर करेंगे तो एक वैल्यू आएगी। देखिए आप क्या करते हैं आगे, हम इसमें सवाल आसान है, इतना मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल है। यहाँ पर फॉर्मूला वगैरह ऐसा कोई लग रहा है, तो हम यहाँ पर देखते हैं बाय कंपेयरिंग, हम कहते हैं बाय कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड थ्री, बाय कंपेयरिंग वन इक्वेशन वन एंड थ्री, वन एंड थ्री को कंपेयर करते हैं तो ये बन जाता है हमारे पास माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू जीरो, ठीक हो गया, या माइनस बी इक्वल टू जीरो या बी इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन ये बन गई आपके पास बाय कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड थ्री, बी आपके पास जीरो आ गया, और दूसरे में बाय कंपेयरिंग टू एंड फोर भी हमारे पास आ जाएगा, टू एंड फोर कंपेयर करेंगे तो सी अपॉन ए इज इक्वल टू, सी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस बीटा का स्क्वायर, माइनस बीटा का स्क्वायर, और बीटा हमारे पास बराबर है सी अपॉन अल्फा बीटा और बीटा का स्क्वायर, और माइनस बीटा का स्क्वायर और माइनस बीटा हमारे पास बराबर है अल्फा के, माइनस बीटा का स्क्वायर आ गया ना यहां पर नंबर फोर में, माइनस बीटा का स्क्वायर, और माइनस बीटा की वैल्यू हमने यहां से निकाली है, लेकिन बीटा की वैल्यू हमारे पास, बीटा की वैल्यू हमारे पास माइनस अल्फा आई है, या बीटा की वैल्यू हमारे पास अल्फा प्लस बीटा हमारे जीरो आया है, तो बीटा हमारे पास आएगा माइनस अल्फा के बराबर। तो बस कंडीशन यहां पर आ रही है कि बी जो है वो जीरो के बराबर होगा, तो ये आपके पास मामला होगा। ये जा रहे कि बीटा की वैल्यू हमारे पास नहीं आ सकती इसके अंदर, क्योंकि माइनस बीटा अल्फा के बराबर है, और अल्फा जो है वो प्लस बीटा बी माइनस बी अपॉन ए के बराबर है, माइनस बी अपॉन ए जीरो है, तो इसका मतलब ये है कि अल्फा प्लस बीटा चूंकि जीरो के बराबर है, लिहाजा बीटा जो है माइनस अल्फा के बराबर, या अल्फा माइनस बीटा के बराबर ही, तो ये एक्चुअली सॉल्व नहीं हो सकता आगे। इसलिए हम यहां पर कहेंगे कि कंडीशन हमारे पास यह है कि बी इक्वल्स टू जीरो अगर होगा हमारे पास, तो इसमें हम कंडीशन हमारे पास होगी कि अगर इनवर्स आ रहा है तो बी हमारे पास जीरो के बराबर
आएगा। उसके बाद जो दूसरी चौथी स्थिति है, चौथा पार्ट है इसके अंदर, उसको भी ले लेते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को सुजियो, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस बी अपॉन ए के, इसको इक्वेशन वन बोल दिया। अल्फा बीटा बराबर होगा सी अपॉन ए के, इसको इक्वेशन टू बोल दिया। और आपने कहा फॉर रिक्वायर्ड कंडीशन के लिए अल्फा बराबर हो जाएगा वन अपॉन बीटा के, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा वन अपॉन बीटा प्लस बीटा के, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा, बीटा का एलसीएम ले लीजिए, वन प्लस बीटा स्क्वायर के, और इसको इक्वेशन नंबर आपने खुल दिया थ्री। और उसके बाद आपके पास आ जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा बीटा आपके पास बराबर आ जाएगा, अल्फा बीटा आपके पास बराबर आ जाएगा कहां गया यहां से ये, अच्छा ठीक है, ये होगा वन अपॉन बीटा इंटू बीटा, बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा बीटा आपके पास वन के बराबर आ जाएगा। ये रह जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर, और क्वेश्चन नंबर फोर और टू को बाय कंपेयरिंग अगर हम करेंगे, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड फोर, तो हमारे पास आ जाएगा होगा सी अपॉन ए इक्वल्स टू वन या ए इक्वल्स टू सी। ये हमारी कंडीशन है कि अगर ए सी के बराबर होगा तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, एक रूट दूसरे रूट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उस वक्त होगा जब ए सी के बराबर होगा, और एडिटिव इनवर्स होगा उस वक्त जब बी जो है वो जीरो के बराबर होगा। ये दो कंडीशन मैंने आपको बताई कि बी जीरो के बराबर आ गया है, एक कंडीशन भी हो गई जिसमें एडिटिव इनवर्स आ रहा है, और दूसरे चौथे में बी ए सी के बराबर आ रहा है, ये इसकी कंडीशन आ गई है आपके सामने। ये पार्ट थ्री और पार्ट फोर दोनों हमने सॉल्व किए, एक्सरसाइज 20.5 यहां पर खत्म होती है। हमने छह सवाल इसके पूरे किए, और ये छठे सवाल का चार पार्ट, ये लास्ट क्वेश्चन हमने अभी आपके सामने सॉल्व किया, लास्ट पार्ट, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट अब आपके सामने क्वेश्चन एक्सरसाइज 20.5 यहां पर एंड होती है।